सादा बंदा भाई, इसे सादा अगर इसको सादा बंदा बोलते ना तो सारा काम करा गुप्ता जी की गांड में। मैं जा रहा हूँ हिमालय सादी जिंदगी व्यतीत करने। अगर ऐसे ही होती है सादी जिंदगी, ऐसी सादगी से मैं जिंदगी बची सकता हूँ? सादा बंदा, शर्म नहीं आ रही जरा सी बोलते हुए? मतलब सादा बंदा, तू सादा है तो हम क्या है फिर? सादा अल्ट्रा प्रो मैक्स 512 GB। ये सब जिम में मत किया करो यार, ये घर पे करो यार, घर पे करो, रूम में करो, बेड पे करो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज, मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं शिवम सिंह राजपूत की न्यू वीडियो द मैन विद टू वाइव्स एंड बोथ आर क्रिंज। ओके यार, तो यहाँ पे तो सब समझ ही गए हैं कि हाँ अरमान मलिक के बारे में बात होने वाली है वीडियो में, ठीक है। और मतलब हम अरमान मलिक के बारे में पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं, लेकिन आज देखते हैं भाई साहब कि शिवम सिंह राजपूत इनका किस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इंसान क्या है? इंसान इंसान जानवर है। इतनी लाइटिंग लगा रखी है रूम में, हर जगह वायर फैल रखे है, तो क्या है इंसान? इंसान एक मोबाइल की तरह है जिसमें यूट्यूब की तरह हवस ऑटो डाउनलोडेड होती है। इंसान हवस के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। लोग शादी के बाद भी दूसरी औरतों पर नजर मारते हैं ताकि वो अपनी हवस की प्यास बुझा सके। लेकिन अगर उनके इस अफेयर के बारे में उनकी बीवी को पता चल जाए तो मोटे पक्कल वाली बेल्ट से जब तक उनका कूला इतना मोटा ना हो जाए तब तक कुटाई की जाती है। लेकिन किंतु परंतु अंतु सोचो, अगर इंसान हवस के मारे एक बीवी के साथ साथ दूसरी लड़की को भी बीवी बना के घर पे ले आए, क्यों चौंक गए ना? भाई देखो, भारत के नियमों के खिलाफ है। इस चीज को करने के लिए चाहिए हवस प्लस जिगरा, हौसिगरा। अपनी कार जो ली थी, नई कार ली थी, उसका सरप्राइज दिया था मेरे घर वालों को, उनको पता ही था, मम्मी पापा किसी को पता ही था, उनको सरप्राइज दिया था। तो देख के उनके रिएक्शन जो थे वो रोने लग गए थे, मैं रोने लग गया था, सब कुछ बहुत सारा सीन था वो सब कुछ। ये देख सकते हो, ये थंबनेल था, तो जाओ देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जाके देख के आओ। चलो गाइस बकचोदी छोड़ते हैं, आते हैं पॉइंट पे। तो नमस्कार चिलगुजो, आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसकी दो दो बीवियां हैं। हाँ, दो दो बीवी। देखो दो बीवियां, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या दिक्कत होगी यार, लेकिन बस गाल जलती है यार, इधर एक भी नहीं है। बीवी छोड़ो, गर्लफ्रेंड नहीं बनती कोई। खैर, बंदे का नाम है अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियों का नाम पायल मलिक और कृतिका मलिक। हाँ, मुश्किल से नाम याद रखा एक साथ। इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। खैर, इनका एक यूट्यूब चैनल है फैमिली फिटनेस नाम से, जिनपे डेली व्लॉगिंग करते, घर पे क्या चल रहे, हग रहे, मूत रहे, खा रहे, जो भी कर रहे सब दिखा देते हैं। और अगर वीडियो के टाइटल्स देख लो तो आए हाय कतई मजा आ जाएगा। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, पायल और गोलू की हुई खतरनाक लड़ाई, स्कूल जाने के नाम पर चीकू की नौटंकी शुरू, गोलू और पायल की इंग्लिश में लड़ाई, चीकू की लगी क्लास, रोडीज का ऑडिशन देने बैठे बंदे की गांड की तरह मेरा दिल भी एकदम फट रहा है जोर से प्यार के मारे। चीकू छोड़ दे बेटा, टूट जाएगा, ये चीजें जो कर रहा है मत किया कर। बेड सीट पे फोटो, अब हम बेड सीट पे अपनी फोटो कौन लगवाता है? नहीं सोचो, तुम रात को सो रहे हो और तुम्हारा ही चेहरा तुम्हारी ही गांड के नीचे दबा हुआ है। क्या बकवास आइडिया है बेड सीट पे फोटो। सेल्फीज ले रहे लोग, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों क्यों किस किस रीजन, क्या क्यों ले रहे हैं? मतलब कोई रीजन दो मेरे को, क्या है ऐसा, क्या टैलेंट है उनके पास? कल को ढिंचाक पूजा आ गए ना तो उनके साथ भी सेल्फी लेने लग जाएगी ये लोग। मैसेज मैंने भी किया है, मैसेज रिप्लाई दे दे तो वीडियो बनाते हैं साथ। बाद में अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसको मत छोड़ना प्लीज़। किसी के साथ मैं बना रहा हूँ कि कौन है, अब आप गैस करो, गैस भी नहीं कर पाओगे, लेकिन चलो खैर देख लेना, मजा आएगा। क्या कमेंट करो गाइस, हैशटैग हौसिगरा ओपी मां जी है भैया जी, अब तो ऐ पापा मैं आपके साथ जाऊंगा। दोनों मां है ना? दोनों मां है ना? दोनों मां है, अबे मैं पागल हो जाऊंगा, ये कौन से गोले से आया राक्षस? एक बच्चा होता है उसकी एक ही मम्मी होती है, एक मां, मतलब वो निकलता है तो एक मां और दूसरी मां नहीं, नहीं पालने वाली हो सकती है दूसरी, स्टेप मॉम बोलते हैं, स्टेप मॉम। कट कट कर देना भाई, कट प्लीज, क्या बोलता हूँ भाई, बात करने की मैं
मम्मी क्या बात करूँ मैं से? इसका रूम नहीं है, हो रूम मेरा भी है। कितनी बार बोला जाके सो जा, तू भी नहीं जाना। वैसे मेरा मन भी नहीं जाने का, तू भी काम कर अपना। पता तो चले कि मुझे तो तू कैसी है। हां तो उनको ये भी पता चले कि तू कैसी है। बस देख रहे हो, कह रहे ना लोग कि दो दो औरतें रखी हुई खुश है, ये कलेश करके देख रहे हो। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कदे कोई तकलीफ नहीं होती। पता मतलब ये होता कि भाई क्यों रखा है तुझे, किसने कहा था? अब तो पक्का कोई मरेगा, कोई तो मरेगा, इसका एक का तो मुंडी कटेगा पक्का। अब तो मरेगा कोई, मैं बोल रहा हूँ कोई तो मरेगा ही। आपको बुरी लगती होंगी मैं? मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं बड़ा हूँ। मैं आप दोनों कह रहा हूँ, दोनों गले लगो एक दूसरे को। ले भाई आ गई, चल। अरमानों पे पानी फिर गया, शॉट आउट, बस हो गई खत्म लड़ाई। मतलब कैट फाइट इतनी थी। इससे गंदी स्क्रिप्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सलमान भाई की मूवी की अच्छी स्क्रिप्ट होती है इससे तो नहीं, सॉरी उसकी भी नहीं थी। ये मैटर थी या इसी के साथ ये कार्यक्रम खत्म होता है। मान गई हैं दोनों मेरी घरवालियां। कार्यक्रम, इसको कार्यक्रम बोलते हैं अरमान भाई के हिसाब से, इसको कार्यक्रम बोलते हैं। पाप लगेगा अरमान भाई, इसको कार्यक्रम बोलते हैं यार। क्या तुम लोग झगड़ा झगड़ा समझ रहे हो? जबरदस्ती कार्यक्रम है ये। अभी अरमान भाई 20-25 लोगों को बुलाएंगे, पत्थर दूंदे बटवाएंगे और लड्डू बटवाएंगे सबको। कार्यक्रम है ये, समझ नहीं आता तुम लोगों को। अरमान भाई आई एम विथ यू, लव यू। अगली बार अगर स्क्रिप्ट लिखनी हो ना तो मेरे को बुलाना, बहुत ही बुरी स्क्रिप्ट लिखता है कसम से, बहुत ज्यादा बुरी। इतना क्रिंज देख के मेरा मन कर रहा है कि खुद के सर पे जूते मारूं मैं। खैर जूतों से ज्यादा है, कुछ जूते हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, चलो दिखाता हूं। कि हम दोनों को साथ लेके चलते हैं, ये नहीं कि पायल पीछे है या मैं आगे हूं या मैं पीछे हूं पायल आगे है। कुछ भी होता है वो दोनों के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता। अच्छा, अभी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा वो तो निर्मल बाबा का भंडारा चल रहा था। अच्छा नहीं, खैर वो तो कार्यक्रम था, कार्यक्रम कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। लड़ाई थोड़ी होती है यार, कार्यक्रम होता है। चकल देखो इसकी यार। और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी दोनों किडनियाँ हैं और जो मेरा हार्ट है वो है चिकू। ये कौन से फिलोसोफी है भाई? अरमान भाई पहले तो तुम 23 दिन पुराने जुर्राबों का नशा करना बंद करो। शादी वादी की और फिर हमने कॉल किया, मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर ली है। पायल कह रही है, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फोटो भेजो। ठीक है कोई बात नहीं, फोटो भेजो। अबे तेरा दिल है कि अंबुजा सीमेंट? एक बीवी ऑलरेडी है, समझना मेरी बात, एक बीवी ऑलरेडी है इसकी और दूसरी बीवी से शादी कर ली, और उसके बाद में पहली बीवी को कॉल करके बोल रहा है कि मैंने शादी कर ली है, तो पहली बीवी गुस्सा होने के बजाय ये बोल रही है कि ठीक है फोटो भेज दो, फोटो भेजो, जरा फोटो दे देखो कैसी है। भाई कोई मेरे साथ ऐसा करके देख, मतलब गाल ना लाल कर दे। दो बच्चे होते हैं माँ बाप के तो मेरे नाम बदल दियो, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ अपनी जान से भी ज्यादा। अभी ये भाई साहब जो इतना ज्ञान फैल रहे हैं, सोचो इसकी जो बीवी है पहली वाली उसको भी दो प्यार हो जाए किसी और के साथ और दूसरी शादी कर ले, फिर इसको कॉल करे तो डाइजेस्ट कर पाओगे? तब नहीं। अजी फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाने लग गया एक तो आजकल में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाय द वे गाइस एक और बात बताता हूँ, मैं इनके कमेंट सेक्शन में गया तो वहां मैंने देखा कि नीचे एक बंदे ने कमेंट कर रखी थी, देखो मैं बताता हूँ क्या लिखी थी। हाँ लिखा था कि पायल डिजर्व्स टू हस्बैंड आल्सो। ये क्या बात हुई भाई? मतलब कोई बंदा अच्छा है, कोई बंदी अच्छी है तो उसकी 5-6 शादी करवा दो। हां आजकल यही चल रहा है। नहीं रहना मुझे यहाँ पे, दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन पहले ये करना जरूरी है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वीडियो बना जरूरी है, कैमरा मैं नहीं जा रहा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बैकपैक कर रहा हूँ, वीडियो बना प्रॉपर फ्लैश के साथ बना यार, वीडियो बनाना जरूरी है यार, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, सेकेंडरी है, यही तो करता होता है। पहले मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में घर छोड़ के जाऊंगी, ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं? चैनल आगे कैसे बढ़ेगा? फिर फुल फ्लैश मार एकदम मुंह पे, एकदम चूना मार जोर से। हाथ हटा ले, बोलो हाथ आ जाएगा क्या? फिर बोलेंगे ये भी मेरे को बोलेंगे कि हाथ ले उसका, डाल दिया अंदर। अबे ये कैमरामैन है कि सुपरमैन? लिफ्ट नीचे पहुंचने से पहले खुद ही नीचे पहुंच गया। मैं सोच रहा हूँ कि इनका कैमरामैन जो होगा, जो वीडियोग्राफर, उसको कितनी तकलीफें उठानी पड़ती होगी। ओपी भाई साहब, ओपी भाभी जी, वीडियो। अबे यार कसम से यार, कैमरा मैन की तुम हालत सोचो क्या होती होगी। ओ बेचारा भाई, वो बचा कुचा जितना है उतना भी निपट जाएगा।
मेरा सूट कर भाई, पैर जो नहीं करना मेरे को। चाहे कितना भी भयंकर झगड़ा हो जाए इनके घर पे, लेकिन कैमरामैन वीडियो बनाएगा, मजा ले जो हट जाए वहां से। पैसा पूरा दिया है तेरे को, पूरा वीडियो बनाने का है तेरे को, समझ आया? चाहे कोई मरी क्यों ना रहा हो, लेकिन आखिरी सांसें भी कैमरा के अंदर समाप्त होनी चाहिए उसकी। भैया छोड़ दो, पीछे मत आओ यार, छोड़ फैमिली की बात है, आप लोग बीच में मत आओ। हां छोड़ो, बैठ के बात, हां छोड़ो, नहीं बात करनी मुझे, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, बैठ के बात तो कर पाए, मेरे को नहीं करनी आप लोगों से बात। आओ भैया, क्या इधर हो, तो क्या कर दिया लिफ्ट में, जो दो मिनट में झगड़ा सॉल्व हो गया। ये पक्का अरमान भाई ने बोला होगा अभी बंद कर ओवर एक्टिंग तेरी, व्लॉग लंबा खींच रहा है, इतना लंबा कोई देखता नहीं है व्लॉग, जल्दी खत्म कर, अभी ऊपर जाके झगड़ा सॉल्व कर दे सब, खत्म कर, अभी वन टेक में क्लियर करते हैं, वन टेक आर्टिस्ट है अपन, फिर से अच्छा तो टोनी कक्कर है, दो तीन मिनट में गाने खत्म कर देता है पूरे। घमासान लड़ाई हो रही है दोनों बीवियों के बीच में, लेकिन पति क्या कर रहा है बोलो मेरे साथ, वीडियो बना रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी टांगों के बालों को जोर से खींच के इस हवा में बाष्पीभवन हो जाऊं। खैर अब एक बार इनके इंस्टाग्राम पे नजर मारते हैं। बस इतना बताना था मेरी जान कि राजा बिना रानी के भी राजा ही होता है। अरे ओ राजा करे जा मैं समाजा, डट जा डट जा, दो दो रानियां तो पाल रखी, अब क्या गोदाम भरेगा। साधा बंदा बोलते ना तो सारा काम गया कुत्ता जी की गांड में मैं जा रहा हूँ हिमालय सादी जिंदगी व्यतीत करने अगर ऐसे ही होती है सादी जिंदगी ऐसी सादगी से मैं जिंदगी भर जी सकता हूँ साधा बंदा शर्म नहीं आ रही जरा सी बोलते हुए मतलब साधा बंदा तू साधा है तो हम क्या है फिर साधा अल्ट्रा प्रो मैक्स 512 GB। ये सब जिम में मत किया करो यार, ये घर पे करो यार, घर पे करो, रूम में करो, बेड पे करो, जहाँ करना है करो। खैर छोड़, पंचो वीडियो में चुम्मी कर दी यार, दूसरी बीवी को देख के जलन नहीं होती होगी क्या यार? भाई दूसरी बीवी का भी कोटा पूरा ही है। ये कुछ भी कर सकता है भाई, अरमान भाई आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर माई इंस्पिरेशन, लव यू ब्रो, कुछ भी कर, तू मर जो करना कर। बस गाइस मैं इससे ज्यादा इन लोगों को नहीं झेल सकता, मेरी दूसरी बीवी की कसम, बस बहुत हो गया। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा है तो बोलता नहीं वैसे, पर सॉरी, दिल से सॉरी, की फर्क पड़ता है यार, सॉरी, चलो यार। और गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का फायदा ये है, पहले तो पेज देख लो यार, मेरा पेज तो फॉलो कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाके फॉलो करने का फायदा ये है कि क्या चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आ रहा है, क्यों लेट हो रहा है, क्यों जल्दी आ रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, सब बताता हूँ। और तो जो वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं होते वो वहाँ पे अपलोड करता हूँ, अलग अलग छोटे शॉर्ट्स वीडियोस, तो वो वहाँ पे जाके अपलोड करता हूँ मैं, तो जाओ यार फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हो या फिर मेरे स्नैपचैट को फॉलो करना चाहते हो तो नीचे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबके लिंक है, जाओ फॉलो करो। रहा गाइस याद दिला दूं, डील ऑफ द डे सिर्फ 24 आवर्स के लिए, तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाओ, जूते खरीदो बहुत सारे, इतने सारे खरीद लो, बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा, मतलब क्या खेल छोड़ो। पर हाँ भूलना मत मेरा सेकंड चैनल जो है व्लॉग चैनल, वहां पे मैंने कार का व्लॉग अपलोड किया, जो मैंने नई कार ली थी उसका, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, तो जाके वो वीडियो भी देखो, जाओ सब जगह फॉलो कर लो, चलो भाई बाय बाय बाय। हाँ गुप्ता जी, गुप्ता जी यार लड़की ढूंढो यार, 2-3 dozen शादी करनी है यार मेरे को। हाँ यार प्यार तो कितनी बार हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। ओके यार, ओ माय गॉड, मेरा पेट दुख गया हंसते हंसते यार, एक तो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के और ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि आड़े टेढ़े मुंह बनाता है। सीरियसली यार क्या वीडियो थी। और अरमान भाई साहब ठीक है, आपको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, दिस इज इलीगल, नहीं कर सकते आप दो शादियां, चाहे पहली बीवी माने या ना माने, ठीक है। अबे यार भारत के संविधान के खिलाफ है ये, हद हो गई। और ये क्या व्लॉगिंग है, ये व्लॉग है, इसके अच्छा इससे अच्छा व्लॉग व्लॉगिंग चैनल का नाम हटा के तुम कोई स्केच चैनल, वाइन चैनल ये रख लो, है ना, तो क्योंकि ये व्लॉगिंग नहीं होती भैया, व्लॉगिंग में जो चीज़ रियलिटी होती है वो ही दिखाई जाती है, जो रियल होता है, जो तुम रियल लाइफ में करते हो, ना कि स्क्रिप्टिंग करके या फिर एक किसी चीज़ को टारगेट करके।
पर अपनी बीवियों की लड़ाइयां दिखाई जा रहे हैं और वो कैसे मान गई थी भाई, नीचे तू इतनी उससे गुस्से से और आग बबूला होके ज्वालामुखी बन के गई और ऊपर बस लिफ्ट में आते आते चल भाई मैं तुझे मना रहा, चल चल तू चल इधर, मतलब हाथ पकड़ के उसने लिफ्ट में डाला, ऊपर तक आया भाई, पता नहीं कितने फ्लोर ऊपर रहते हो भाई तुम, 500 फ्लोर ऊपर रहते हो कि मतलब इतनी देर लग गई तुम्हें ऊपर आते आते कि उतनी देर में तुमने मना लिया भाई, 5-10 मिनट भी मुश्किल से नहीं लगते लिफ्ट में, मुश्किल से कितने 2-3 मिनट लगते होंगे, तो 2-3 मिनट में वो मान गई। इतना गुस्सा तुम्हारा दूध के उबाल जैसा है, हैं कि 2-3 मिनट में तुम्हारा गुस्सा ठंडा, हद हो गई यार, क्या बात है भाई, सीरियसली यार क्या वीडियो थी, बहुत मस्त रोस्ट था, ठीक है, और हेट नहीं है किसी से कोई भी, लेकिन हाँ यार जो बात है, जो इल्लीगल है वो है, तुम कर लो चाहे जितने मजे से, ठीक है। और यार वीडियो अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, आई होप आप लोग को रिएक्शंस अच्छे लगे होंगे मेरे, अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।